नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और मुकाबला ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जोश से फट ना जाऊं और उसमें पाकिस्तान ना उड़ जाए उस ब्लास्ट में। लेकिन फिलहाल बात यहां पर यह है कि यहां पर ये बात भावनाओं की है और ये मैच इमोशंस की तारों से दिल से जुड़ा हुआ यह मैच है। क्रिकेट की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले जरा भावनाओं की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम क्रिकेटर्स स्टार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। इस मुकाबले के बारे में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। मनिंदर सिंह हमारे साथ हैं और आरपी सिंह हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। और बात मैंने कहा कि इमोशंस का मामला है आरपी मन्नेपा जी, तो इमोशंस की बात करते हैं और भावनाओं को आपको दिखाते हैं कैसे आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी टीम के लिए, आप जब खेलते थे और आज आप एक दूसरी तरफ बैठे हैं, लेकिन क्रिकेटर्स के लिए, हमारी टीम के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह प्रार्थनाएं, यज्ञ पूजा चल रही है और कह रहे हैं कि हमारी टीम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी टीम को आज जिताए, जीतेंगे जरूर। ऊपर की दुआएं भी हैं और खिलाड़ियों का खेल भी है, तो पहले जरा इमोशंस देखें पूरे देश में किस तरीके से छाया हुआ है। विराट तैयार है, रोहित तैयार है, हार्दिक भी तैयार है, स्टेडियम तैयार है, पिच तैयार है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर एक और जीत देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। इंडिया के फैंस भी पूरे जोश में है। टीम इंडिया के फैंस ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, ढोल की थाप पर नाच गा रहे हैं। फैंस टीम इंडिया का अपने अपने तरीके से जोश बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं अभी से खुशी मना रहे हैं, इंडिया जीतेगा, खाली खेला होना बाकी है। बैलेंस हिसाब से इंडिया टीम बहुत स्ट्रांग है, ओवरऑल हिसाब से इंडिया बहुत बेस्ट टीम है। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी हम पाकिस्तान को मात देंगे और बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो हम लोग अच्छे से मैच देखेंगे, मम्मी पापा डैडी हम सब पूरी फैमिली मिलकर मैच देखेंगे, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, होप करते कि इंडिया अच्छे से खेल के जीते। 100% इंडिया जीतने वाला है। कैसे आपको पता है? विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा बहुत ही लाजवाब फॉर्म में। इंडिया खेलेगी, आज तक कभी आईसीसी वर्ल्ड कप में कभी हारी नहीं है आज तक भी, और आज भी नहीं हार पाएगी क्योंकि हमारे पास जो बैट्समैन की जो लाइन है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। हिंदुस्तान की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। कोई पूजा कर रहा है तो कोई यज्ञ। मुरादाबाद, बेंगलुरु, वाराणसी, अमरोहा, इंदौर, शहर शहर इसी तरह टीम इंडिया की जीत के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग अपनी टीम की जीत के लिए कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों को अपनी ही टीम पर भरोसा नहीं दिख रहा। आज भी पाकिस्तान के लोग 2019 में भारत से मिली हार को याद कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं जज्बात से भरपूर पाक भारत का मैच? दो ही तो मैच है, एक पाकिस्तान इंडिया का, दूसरा आमिर खान का लगान मूवी वाला। वो दिन जो आप इस साल से रोकते इंसान को वही याद रहते हैं, और इस महीने की 24 का 24th ऑफ दिस मंथ यही होने वाला है। खुदा की कसम ऐसे लगता है कल 2019 का मैच खत्म हुआ यार, पक्का पता ही नहीं था ये मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है यार। क्या आप तैयार? मैच से पहले पाकिस्तान में भारत का खौफ चल रहा है, इंडिया इंडिया हो रहा है। कैमरे पर आया ये चेहरा आपको याद है? अगर नहीं तो चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पाकिस्तानियों का ये डायलॉग आज एक बार फिर सुनना पड़ सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब भी भारतीय टीम पाकिस्तान से टकराई है उस मैदान पर तिरंगा लहराया है। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को यूं ही मदर ऑफ ऑल बैटल नहीं कहा जाता। इस मैच में जीत और हार जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वहाँ के लोगों को अपनी ही टीम पर भरोसा नहीं। पूरा पाकिस्तान मैच से पहले भारत को फेवरेट मान रहा है। बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली के बराबर नहीं है। विराट कोहली एक क्लास है। मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। डेफिनेटली सी बात है, काफी अरसे से हो गया कि हम जीत ही नहीं रहे हैं। शाहीन के पास जो है ना पेस है और उसके स्विंग भी है,
बुमराह के जो है ना यॉर्कर बहुत अच्छे हैं। यॉर्कर से बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैट्रिक लेवल तक, इंटर लेवल तक बहुत ज़्यादा हम देखते थे। पूरा पूरा दिन टी लगा रहा है, मैच इनका लग रहा है, जैसे मर्जी है रोला डाल रहा है। हमने भाई गली में टीवी लगाना, सब दोस्तों ने इकट्ठे हो जाना, देखते थे। लेकिन हर बार की तरह कि आप जानते हैं बेहतर, पाकिस्तान इंडिया का हार मैच होता है और पाकिस्तान हार जाता है। अच्छा, इस चीज़ बस दिल इकट्ठा हो गया, इस वजह से हम इंटरेस्ट इस चीज़ में छोड़ दिया कि भाई इनसे उम्मीदें लगाने का फ़ायदा, एंड पे ये हार जाते। जहाँ तक बाबर आजम और विराट कोहली की बात है, विराट कोहली एक बहुत बड़ी क्लास है। बाबर आजम जो है वो एक बैट्समैन अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, बाबर आजम एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली के बराबर नहीं है। मैच से पहले टीम इंडिया सबकी फेवरेट है, अब बस जरूरत इस बात की है कि मैदान पर भी विराट की टीम पाकिस्तान पर भारी पड़े। देखा आपने किस तरीके से भावनाओं का खेल है ये, और हिंदुस्तान के फैंस कह रहे हैं जीतेंगे ही जीतेंगे, खेला होना बाकी है। एक तरह से औपचारिकता भर रह गई ऐसा लगता है जब हिंदुस्तानी फैंस की सुने, और दूसरी तरफ सरहद पार हमने सुना, चाहे वो इंग्लैंड में हो पाकिस्तान के फैंस या फिर पाकिस्तान में हो, हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम कमजोर है और इंडिया का जीतना लगभग तय है। और विराट कोहली तो आपने सुना इस स्टोरी के आखिरी में, विराट कोहली एक अलग क्लास है और बाबर आजम उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये फिलहाल लाइव तस्वीरें हैं दुबई की, और देखिए किस तरीके से जो है ये हमारी ब्लू आर्मी नीली सेना और हरे जर्सी में भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि नीला जो है छाए रहने वाला है मैदान के अंदर। बड़ा मजेदार माहौल होने वाला है दुबई के इस मैदान में आज, जहां पर ये मुकाबला खेला जाना है। ठीक 7:30 बजे शुरू होगा, 7 बजे टॉस, और लगातार हम आपको इसी तरह के लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। ये दुबई की तस्वीरें हैं, फिलहाल पहुंचना शुरू हो गए सारे फैंस, और करीब 200-300 पासेस तो आरपी सिंह ने भी अपने दोस्तों के लिए जुगाड़ करवाए हैं। वो भी बताएंगे कि किस तरीके का इमोशंस होता है यहाँ पर, कितने फोन्स यहाँ पर आते हैं मन्नी पाजी को भी। लेकिन फिलहाल इससे पहले कि क्रिकेट की तरफ जाएं, मैं इमोशंस की बात करना चाहूंगा। मन्नी पाजी बताइए, इमोशंस किस तरीके से जुड़ती हैं इस मुकाबले के साथ आप लोगों के लिए, क्रिकेटर के लिए? देखिए एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है कि इमोशंस जुड़ी जाते हैं, क्योंकि मुझे याद आता है जब हम शारजा में खेला करते थे, एक तरफ का स्टेडियम भरा होता था, पाकिस्तान के फैंस होते थे, दूसरी तरफ इंडिया के फैंस होते थे, और जिस तरह से वो वहाँ से ही लड़ाई चल रही होती थी उनकी, उससे एक अंदर से आवाज़ उठती थी कि कुछ तो एक्स्ट्रा देना है जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते हैं, जो ट्रेडिशनल राइवलरी है दोनों देशों के बीच में, उसकी वजह से भी जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाती हैं, और उसी वजह से ये जो आप इमोशंस की बात कर रहे हैं ये उभर कर और ऊपर आते हैं। बिल्कुल, और पाजी खासतौर पर अब तो हम उनको हर मैच में पटक देते हैं, करीब 30 साल हो गए वर्ल्ड कप में उन्होंने हमसे एक मुकाबला नहीं जीता है, लेकिन आपके टाइम में तो बहुत बराबरी का मुकाबला, पाकिस्तान कई बार आपसे आगे रहता था, उस समय तो मतलब आग लगी रहती थी कि कैसे कब पाकिस्तान को हराओगे, लेकिन वो वक्त बदल गया है। और आरपी आपके लिए जब आप बड़े हुए, और जितने भी खिलाड़ियों से हमारी बात हुई, चाहे आप हो मन्नी पाजी हो, तब यही कहते थे कि बचपन से एक मुकाबला देखते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, ये एक जहन में हर खिलाड़ी के रहता है जब वो बड़ा हो रहा होता है। बिल्कुल, राइवलरी बहुत बड़ी और बहुत समय चलती आ रही है। हम पाकिस्तानी वैसे कि हमने वर्ल्ड कप खेला, उनके अगेंस्ट 2 बार जीते, तब मैं बिल्कुल मेरा डेब्यू पाकिस्तान में अगेंस्ट पाकिस्तान, तो काफ़ी सारे मेरे इमोशंस जुड़े हुए पाकिस्तान से। और जब बड़ा मैच आप खेले जाते हैं ना, क्राउड होता है समीप, अलग एनर्जी देता है, वो आपको बताता है कि आप किस बैटल के अंदर हैं यहाँ पर, भले वो क्रिकेट का मैच है और उसमें 100% ज़्यादा दोनों तरफ के खिलाड़ी देते हैं यहाँ पर। भारतीयों का मैं कहूँगा पिछले 15-20 साल से एज थोड़ा ज़्यादा कि ज़्यादा बैलेंस साइड है, बहुत काम तरीके से खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम भी उतना ही काम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आरपी अगर बात करें जिस तरीके से ये मुकाबला आपको जैसे पता चलता है, जैसे टीम के ड्रेसिंग रूम में, वो रात को डिनर की बात करें या लंच की बात करें, प्रैक्टिस के दौरान किस तरीके से चर्चा होती है इस मुकाबले के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि मजाक और चुटकुले बड़े चलते हैं खिलाड़ियों के बीच में, तो किस तरीके का माहौल रहता है खिलाड़ियों के बीच में ड्रेसिंग रूम में? अच्छा रहता है, क्योंकि भाषा लगभग लगभग एक जैसी हो, पंजाबी लैंग्वेज भी वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लाहौर के प्लेयर होते हैं, तो थोड़ा सा चिटचैट होता रहता है बीच में, कुछ हॉट टॉक्स भी हो जाते हैं बीच में, काफ़ी कुछ घटता रहता है इस मैच में यहाँ पर। और जो हम लोग अपना जो अभी हमने जो हमने जो अपने अपने टाइम पे खेला है पूरे टाइम किसी भी टीम या पाकिस्तान अगेंस्ट, हमारा बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड काम रहता है कि हम क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम कैसे गेंदबाजी करेंगे, हम कैसे बल्लेबाजी करेंगे, हमारा टीम प्लान क्या है यहाँ पे, दूसरी टीम को हम उतना तवज्जो देते हैं, उतने सही तरीके से देखते हैं कि हाँ अपोनेंट है तो इसको वीक नहीं मानना चाहिए, पर हमारा प्रिपरेशन सारे बॉक्स टिक होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मन्नी भाई आप थोड़ा सा बताएं अपने टाइम में किस तरीके का, क्योंकि आपके टाइम की राइवलरी तो एक अलग ही लेवल पे थी, अब तो हम पटक देते हैं, हमें पता है कि हम बहुत ही सुपीरियर हैं उनसे, हमें पता है कि एक आध कहीं एक आध हर्डल एक आध कहीं हो जाए, वो तुक्का लग जाए, जैसे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में लग गया था, उसके बाद 2019 या एशिया कप में 2-2 बार, मतलब हम पटकते ही रहते हैं उनको, हमारी टीम इतनी सुपीरियर है। लेकिन आपके टाइम में वो जो एक जुनून भी था ना, वो एक अलग लेवल पे था हिंदुस्तान का,
तो आप अपने टाइम में किस तरीके से हैंडल करते थे इस प्रेशर को? इमोशनली आपको क्या नींद आती थी? मतलब क्या होता क्या था उस समय? इंडिया पाकिस्तान का मैच का मतलब आपके लिए क्या होता था? देखिए, जहां तक नींद का सवाल है, नींद तो चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, इंडिया के लिए आप जब भी खेल रहे थे, चाहे किसी के अगेंस्ट भी खेल रहे थे, नींद कम ही आती थी क्योंकि वो प्रेशर इतना ज्यादा होता था। आपको पता ही है इंडिया में कितनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अब तो और ज्यादा हो गई क्योंकि टेलीविजन पे हर चीज दिखती है, हर मैच आता है, सो ज्यादा इस समय प्रेशर है। लेकिन दबाव उस समय भी होता था, और जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते थे तो एक ही इमोशन रहता था कि इनसे नहीं हारना। बिल्कुल। और वो पाकिस्तान की टीम, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने जो टीम बनाई थी, वो दोबारा कभी शायद पाकिस्तान में उस तरह की टीम नहीं बनेगी, क्योंकि वो खुद इतने हार्ड वर्किंग थे, वो मेहनत करा लेते थे, और मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया जज भी थे टैलेंट के। और सबसे बढ़िया बात उनमें ये थी, वो मोटिवेटर बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की टीम इतनी बढ़िया टीम हुआ करती थी। उसमें इतने स्टार्स होते थे, हालांकि इंडिया की टीम में भी स्टार्स होते थे, लेकिन आई थिंक एज उस समय पाकिस्तान को थोड़ा सा रहता था इमरान खान की वजह से, जिस तरह से वो हैंडल करते थे चीज़ों को। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक प्रेशर का सवाल है, इमोशंस का सवाल है, आप कहीं भी चले जाएं, जो भी आपको इंडियन मिल जाए, चाहे दुबई हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं भी मैच हो रहा है, एक ही चीज कहते थे, इनसे मत हारना। सो आप अंदाजा लगाएं कितना दबाव होता था। बिल्कुल। और वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है, और वक्त बदल के ऐसा हो गया कि अब सिर्फ इंडिया 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 ही दिखता है, और आज हो सकता है कि जीत का छक्का यहां पर लग जाए, क्योंकि 5 बार आप T20 वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं, 12 बार ICC वर्ल्ड कप में आप भिड़े हैं, और हर बार आपको जीत मिली है, तो 13-0 भी आज हो सकता है, होगा, मुझे पूरा यकीन है, जैसा कि फैंस बोल रहे हैं। मैच शुरू होने दो, खेला शुरू होने दो, बस कोई बात नहीं। तो चलिए फिलहाल इन दोनों टीम्स के बीच, हमारे और जब पाकिस्तान के बीच टक्कर होती है तो क्या माहौल होता है और किस तरीके का कंपटीशन होता है, उस पर हम नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट का घमासान छिड़ने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही पलों के बाद जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो स्टेडियम का माहौल एकदम गर्म होगा। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में दुनिया भर के फैंस का रोमांच चरम पर होगा। दोनों टीमों पर भी जीत को लेकर काफी दबाव रहता है। इस दबाव में जो जीतता है वो चैंपियन बन जाता है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रेशर को लेकर अपनी बात को दुनिया के सामने रखा। टीमों के अगेंस्ट आपको अपना अपना बेस्ट प्लान लेके आना पड़ता है सामने, और मेक श्योर करना है कि एग्जीक्यूशन हमारी अच्छी हो, और हम कंसिस्टेंटली जितना खेलेंगे उतना हम प्रेशर बना पाएंगे ऑपोजिशन पे, तो हमें डेफिनेटली अपनी गेम लेके आना पड़ेगा। तो सुना आपने, विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले इशारों ही इशारों में साफ कर दिया है कि उनके लिए ये मैच जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलिए अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबलों पर नजर डालें तो ये दोनों टीमें अभी तक 5 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, जिसमें हर बार भारत ने बाजी मारी। इन 5 में से एक मुकाबला टाई रहा था, जिसे भारत ने बॉल आउट से जीता था। इस ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। बात अगर दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भिड़ंत की करें, 8 बार ये टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल चुकी हैं, जिसमें सिर्फ एक बार बाजी पाकिस्तान के हाथ लगी है, जबकि 6 बार भारत जीता है। तो तैयार हो जाइए इस महा मुकाबले को देखने के लिए, जिसमें टीम इंडिया जीत का छक्का लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिलहाल तो हमने थोड़े भावनाओं की, इमोशंस की बात की इस मुकाबले को लेकर, प्रेशर की हमने बात की, लेकिन हम बात करेंगे विराट कोहली के इंपैक्ट के बारे में, विराट कोहली के फॉर्म के बारे में, रोहित शर्मा, KL राहुल, यहां पर हम बात करेंगे क्या आपकी 11 टीमें हैं हमारे एक्सपर्ट की, फटाफट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि दुबई, जहां पर ये मुकाबला होने वाला है, वहां पर फैंस पहुंचने लगे हैं। जी हां, करीब 2.5 घंटे का वक्त अभी बाकी है, लेकिन फैंस पहुंचने लगे क्योंकि एक भी गेंद मिस नहीं हो सकती है। ऐसे ही एक फैन को हमने देखा कि वो क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। हिंदुस्तानी फैन है, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सुकुमार भाई, कैसा लग रहा है, फीलिंग क्या है? आई एम रियली फीलिंग वेरी एक्साइटिंग एंड ईगरली वेटिंग टू एंटर इनटू द स्टेडियम, एंड ऑफ कोर्स एंटायर वर्ल्ड नोज दैट द इंडिया पाकिस्तान मैच इज अ वेरी स्पेशल, एंड ऑफ कोर्स वी नेवर लॉस्ट द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप, एंड अगेन वी आर गोइंग टू रॉक द शो, एंड ऑफ कोर्स गेटिंग टिकट इट वॉज वेरी वेरी टफ। Even actually normally we were getting the ticket from the Team India, but for the first time in history of our journey, even Team India management they told it is very difficult to get the tickets because due to the COVID restrictions. Finally we got the ticket from the run machine, the legend Virat Kohli personal ticket he gave to us, and we are feeling, not only to me, he has given to Sachin fan, Dhoni fan, and Shikhar Dhawan fan, and Suresh Raina fan. 5 tickets we got from the legend. Love you legend, thanks for your ticket, always my big salute to Virat Kohli.
ये है यहाँ पर जो जोश और जज्बा और जुनून की हम बात करते हैं, पैशन की, वो दिख रहा है। और एक तो बड़ी कमाल की बात है, विराट कोहली ने अपने फैंस तक टिकट पहुंचाए हैं, धोनी ने भी पहुंचाए हैं, शिखर धवन, कमाल है यहाँ पर। और आपको बता दें आरपी, आप भी जरा बता दें कितने टिकट्स आपने अपने फैंस के लिए मैनेज करवाए हैं, चाहे वो खरीदवाए हैं या पासेस, जरा वो भी बता दें। सीक्रेट बड़ा मजेदार है ये, हम मुझे पता है लेकिन आरपी से सुनिए। नहीं, पासेस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि टिकट परचेज में भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे कि मिल नहीं, सारे टिकट सोल्ड आउट थे। तो विद द हेल्प ऑफ बीसीसीआई हमने अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने जो क्लोज वंस के लिए बीसीसीआई के थ्रू वहाँ पे की टिकट परचेज किए, और वो नंबर बहुत बड़ा है, वो बताने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं देख रहा था लगातार, और ये अभी से नहीं, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से आरपी के पास फोन आते थे और शो से पहले फोन ऑफ करने पड़ते थे। और कई बार तो हमने देखा मुरली कार्तिक के भी फोन आए कि मुझे पासेस चाहिए इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, आरपी क्या हुआ मेरे पासेस का। तो ये प्रेशर जो है हमेशा बना रहता है, बन्नीबाजी हो आरपी हो, क्योंकि मैच इतना हाई वोल्टेज है कि आपको टिकट मिले, जैसे ही आप वेबसाइट पर टिकट ओपन होते हैं विद इन अ मिनट के लिए आधे घंटे में सारे सोल्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फैंस को टिकट परचेज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम विराट की भी बात करेंगे, विराट के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला हिंदुस्तान की तरफ से 777 रन, और पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड। क्या ये खिलाड़ी आज अपना इम्पैक्ट डालेगा? शोएब अख्तर की लैंग्वेज में आरपी ने पकड़ लिए कि आज बड़ी फैंटी लगाने वाला है पाकिस्तान की। लेकिन फिलहाल अभय पराशर के बाद चलते हैं, हमारे संवाददाता पाजी आरपी जगह जगह पर है, फैले हुए हैं, पूरे माहौल का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस माहौल को पूरे देश में आप सबके साथ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभय पराशर दिल्ली में मौजूद है। अभय, भारत पाकिस्तान का मुकाबला मैं देख रहा हूं कि जोश जो है सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। देखिए बिल्कुल, लोगों में काफी ज्यादा जोश है और बस इंतजार है, इन लोगों को इंतजार है कि जब पाकिस्तान के अंदर टीवी फोड़े जाएंगे। और इस वक्त जो तमाम लोग हैं यहाँ पर अभी यही चर्चा कर रहे थे, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो कि विराट कोहली के पहने पूरी तरीके से जो भारतीय टीम के फैन हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर आज के मैच को लेके? थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है भारत पाकिस्तान का, काफी दिनों बाद एक दूसरे के सामने पिच पर ये होने वाले हैं, क्या लगता है आप? जी, मेरा मानना है कि एज अ हिंदुस्तानी भारत जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतेगा, लेकिन एज अ फैंस मैं चाहता हूं कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, जो टीम अच्छी खेले उसकी जीत होनी चाहिए। छोटे बच्चे भी हैं यहां पर, आज मैच है, क्या बोलना चाहोगे? विराट कोहली को देखा है आपने जब मैच खेलते हैं, क्या क्या कहना चाहोगे? इंडिया जीतेगा। देखिए बिल्कुल इंडिया जीतेगा, और यहाँ पर मैं आपको एक बार पूरा माहौल दिखा दूँ, यहाँ पर समीप क्रांत प्लेस का ही पूरा का पूरा माहौल है, और तमाम लोग जो है इस वक्त यहाँ पर सबको यही इंतजार है। ये अभय, हम देख सकते हैं कि माहौल बड़ा जबरदस्त है दिल्ली में, और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर हमने देखी कि एक शख्स है, एक फैन है जो कह रहे हैं जो अच्छी क्रिकेट खेले वो जीते। हम इसी तरीके से अभय के पास गए थे, दिल्ली का ये माहौल है, इसी तरीके से हम आगे और जाएंगे, अलग अलग जगहों पर हमारे और संवाददाता जुड़े हुए हैं और अभय के पास भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल एक थोड़ी क्रिकेटिंग बात की जाए, इमोशन से थोड़ा कूद कर बाहर निकले, और विराट के बारे में पाजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, विराट कोहली के इम्पैक्ट के बारे में। हाल में उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, आईपीएल में 2 अर्धशतक जरूर लगाए फेज टू में आके, लेकिन रन बॉल लगभग वो अर्धशतक थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड, और अगर हम बात करें T20 में बेहतरीन रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको लगता है विराट कोहली का आज इस मुकाबले में हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरह के खिलाड़ी हैं, हमें पता है जब भी हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं उनका उनका जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस लेवल है कितना हाई हो जाता है, और इसी वजह से उन्होंने इतना परफॉर्म किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि जब जब इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं तो आप देखें चेस करते हुए जितने रन्स विराट कोहली ने बनाए हैं और जितनी बार इंडिया को जिताया है, जो उनकी सेंचुरीज हैं, अगर आप उन्होंने 30 सेंचुरीज लगाई हैं तो 25 बार 24 बार उन्होंने मैचेस जिताए हैं चेस करते हुए, जो कि बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है। सो इससे पता चलता है कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। सो बिल्कुल उनका तो इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और एक खौफ बना रहता है सामने वाली टीम के अंदर। यू नो, आपने अभी बात की आईपीएल में रन बॉल बनाए, उन्होंने 250 लगाए, प्रॉब्लम ये है कि उनके 50 हमें हजम नहीं होते, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो 50 बनाए तो T20 क्रिकेट में 70-80-90 रन बनाए या सेंचुरी लगाएं, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से लगता है कि वो अच्छी लय में नहीं है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि उनके बैट पर बॉल बड़ी बढ़िया तरीके से आ रही है, और आप उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि हाई वोल्टेज मैच है, जब बारी आएगी तो रन आएंगे उनके पास। चलिए ये तो बात हुई विराट कोहली की, लेकिन ये तो शुरुआत है, विराट कोहली के कई और ऐसे पहलू हैं जिस पर बात करनी पड़ेगी हमें। उनकी कप्तानी, कप्तान के तौर पर आखिरी T20 टूर्नामेंट उनके लिए, जीत उनके लिए कितनी जरूरी है और कितना वो खुद मोटिवेटेड होंगे, ये वो पहले ही ऐलान कर चुके कि मैं आखिरी बार T20 में कप्तानी कर रहा हूं टीम का। लेकिन फिलहाल हम लेके चलते हैं आपको रुद्र प्रताप सिंह के घर, घर से थोड़ा सा दूर है लेकिन वहां पर ये बड़े हुए हैं स्पोर्ट्स कॉलेज में, लखनऊ लेकर चलते हैं आपके शहर। हमेशा लखनऊ जाने की बात करते रहते हैं आरपी, लेकिन हम आपको टीवी के जरिए लेके चलते हैं। रुचि कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। रुचि, लखनऊ में क्या माहौल है?
इंडिया पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर? देखिए, सबको इंतजार है आज के मैच का कि पाकिस्तान से जो मुकाबला होगा वो कितना जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, क्या होगा, इंडिया कैसे खेलेगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को आज के मैच? आज मुझे लग रहा है इंडिया वन साइडली जीतने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना चांस नहीं है। हिस्टोरिकली भी देखा जाएगा तो इंडिया 5 बार जीता, आज 6ठा बार होना बड़ा बात नहीं है, कहीं भी जीतेगा। जैसे सारे मैच होते हैं उसको देखना और आज जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला है उसको देखना, क्या फर्क है? मैम, ये देखने ही में फर्क है, लेकिन सारे मैचों से ही हल्का मैच है, हम लोग ऐसे ही हरा देंगे, मजाक में देखिएगा। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए मैम। आप फॉर्म देख लीजिए अपने प्लेयरों का, केएल राहुल का, हार्दिक पांड्या का, सबका, विराट कोहली का। ये तो खाली मैच देखने के लिए सबको इतना वो होता है, लेकिन ये बाकी मैचों से हल्के मैच है मैम। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जीत रहा है, क्या लग रहा है टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा आज के मैच? मैम, टॉस भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि विकेट भी इम्पोर्टेंट है मैच के लिए। मैम, इंडिया तो मैम मैच जीतेगा ही, डेफिनेटली जीतेगा मैच। yes, जी मैम जीतेगा। आप तो झंडा भी लेके आए भारत का, कितना उत्साह है आज के मैच को? जी बहुत उत्साह है, क्योंकि बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच होने वाला है और इंडिया के पास हमारे वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, जिसमें बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा स्पिन में, और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी शामिल हैं, और बैट्समैन भी हमारे वर्ल्ड बेस्ट हैं, क्योंकि उसमें विराट कोहली और ईशान किशन, जो कि IPL में बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं, वो भी शामिल हैं, और भी बहुत से नाम है, जो रोहित शर्मा, बहुत ही बड़े बड़े बैट्समैन हैं, और इंडिया जीतेगा आज। इतना कॉन्फिडेंस है लोगों में कि इंडिया जीतेगा, तो किस तरह के सेलिब्रेशन की तैयारी है? सबसे बड़ी सेलिब्रेशन तो यही है कि हम जीत जाएंगे और ये रिकॉर्ड भी कायम रहेगा, तो हम जीतेंगे 100% है। दूसरी बात, हमारी बैटिंग जो है बॉलर तक के करते हैं, शार्दुल ठाकुर तक बैटिंग कर सकते हैं, हमारे पास 6-7 बैट्समैन हैं जो फर्स्ट ऑर्डर से लेके लास्ट तक रहेंगे, और ईशान किशन हो सकता है उनको मौका ना मिले, लेकिन वरन वो अगर पहले बॉलिंग मिलती है तो शमी कम से कम 3 विकेट लेगा ही। अरे ज़बरदस्त। आप लोग की किस तरह की तैयारी आज जश्न मनाने की? आप कह रहे हैं कि जीतेगा बहुत आराम से। हम लोग ऐसे कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं किया हुआ, बस हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के सब लोग मैच देखेंगे, एक साथ मैच देखने का अलग मजा भी आता है, लेकिन इतना श्योर है कि इंडिया का ही गेम आज। बिल्कुल रुचि, हम लौटेंगे आपके पास। यहाँ पे उत्साह है ये वंस। बिल्कुल बिल्कुल जी, माफी चाहूंगा बीच में काट दिया, लेकिन मैं आपकी बातें सुन रहा था जो फैंस से कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा है, और उनकी जो क्रिकेट की समझ है उसकी दाद देनी होगी, क्योंकि जो उन्होंने बातें की है गेंदबाजी की, बल्लेबाजों की, वाकई में काबिले तारीफ है। और आरपी क्या कहेंगे, वाकई में टीम इंडिया बहुत मजबूत यूनिट लग रही है, और आपके शहर में तो क्रिकेट की समझ बड़ी जबरदस्त है, बड़े सुलझे हुए फैंस है आपके यहाँ पर। क्रिकेट की समझ तो पूरे देश में, पूरे भारत में, हर बच्चा बच्चा क्रिकेट की समझ रखता है यहाँ पर, इसलिए इतना बड़ा टीम बना हमारा, इतना टैलेंटेड टीम बना। और अच्छी बात बोली उन्होंने कि हमारा जो बैटिंग लाइनअप है वैसा नहीं कि सिर्फ बल्लेबाज ही बैटिंग लाइनअप है, हमारे गेंदबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिसमें आप शार्दुल का नाम लिया, शार्दुल ठाकुर है उसमें, या रविंद्र जडेजा हो, या अश्विन, जो भी सारे अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं मौके पर। बढ़िया रहा है फैंस का जो इंटरेक्शन था यहाँ पर, और अच्छी हमारे शहर के फैंस है तो काफ़ी पॉइंट वाली बातें कर भी रहे थे। हाँ बिल्कुल, लखनऊ जो है दिल के करीब है आरपी के, और होना भी चाहिए, क्योंकि लखनऊ में खेले बड़े हुए शहर, भले ही रायबरेली के हैं, लेकिन लखनऊ जो है इनका बड़ा दिल के नज़दीक है, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। कृष्ण रैना, आरपी सिंह वहाँ से खेल कूद के बड़े होकर देश का नाम रोशन किया। लेकिन फिलहाल विराट कोहली की बात मैं आरपी आपसे भी करना चाहूंगा, कि विराट के हमने इंपैक्ट की बात की, पाजी ने कहा विराट का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन कप्तान के तौर पर ये कहना कि मेरा आखिरी टूर्नामेंट है कप्तान के तौर पर T20 का, क्या ये ऐलान करना, इस तरीके की बात से आप अपने आप को मोटिवेट भी करते हैं कि और बेहतर कर सकता हूं, और अपना दबाव भी हटा देते हैं अपने ऊपर से? मुझे लगता है अपने आप को मोटिवेट ज्यादा कर सकते हो कि मुझे और बेहतर करना, यहां पर और ज्यादा फोकस रहना, और जो मैं हमेशा मानता हूं बिग मैच प्लेयर्स थ्योरी जो है, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं विश्व क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में, जो बड़े मैच में इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, विराट कोहली उनमें से एक प्लेयर है, इसलिए इतना बड़ा नाम बना कि बड़ी बड़ी इनिंग्स खेले, बड़े बड़े मैच जिताए चेस करके यहाँ पर, तो उनके ऊपर कोई खास प्रेशर होगा नहीं यहाँ पर, और बाकी सपोर्ट स्टाफ में भी नए नाम जुड़े हैं, जिससे थोड़ा सा वो भार भी कम हो जाएगा यहाँ पर, टीम बहुत बैलेंस है। विराट कोहली का पर्सनली मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है आज का मैच विराट कोहली के बैट से आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। फिर तो काम ही हो गया, चमत्कार देखने को मिल गया, 3-3 मुकाबले, और तीनों में जो विराट कोहली ने बल्लेबाजी की है पाकिस्तान के खिलाफ, अर्धशतक जड़ा या नहीं भी जड़ा, 36 रन भी बनाया, तो जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई और कभी भी आउट नहीं कर पाया पाकिस्तान का। और हमेशा हमने देखा हिंदुस्तान बैकफुट में आए, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग के साथ हो, उसके बाद अगली पारी हो, या 2016 में भारत में वो मुकाबला हो जहां पर सिर्फ 118 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और उसके बाद 3 विकेट जल्दी टीम इंडिया के गिर गए थे। क्या बल्लेबाजी विराट कोहली ने की है और हमेशा पाकिस्तान को रोकने में कामयाब हुए, और आज उम्मीद यही है कि जैसा कि आरपी ने कहा, एक बार फिर
विराट के बल्ले से वो चमत्कार देखने को मिलेगा। हालांकि ये ना बोले ये वही मैदान है जहां पर कल 55 रन पर ऑल आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज की टीम और उसके बाद जो थी सांसें फूल गई थी यहां पर इंग्लैंड की भी, वो 55 रन बनाते हुए 15वें ओवर में जाके उन्होंने 56 रन बनाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी पिच है जहां पर हमें देखना होगा इस पिच के मुताबिक कौन सी टीम इंडिया अपने 11 पिक करती है। इस पर हम बात करेंगे आगे जैसे जैसे चल रहे हैं। अभी हमारा भी ड्रेसिंग रूम ही है, यहां पर हमारी चर्चा चल रही है, पहली 11 हम आपको बताएंगे दोनों एक्सपर्ट्स की। लेकिन फिलहाल जोश बड़ा जबरदस्त है पूरे हिंदुस्तान में, हमने देखा आपको फैंस से मिलवाया, चाहे वो पूजा और यज्ञ की बात हो, हर तरफ पूजा भी चल रही है, पूजा पाठ भी हो रहा है कि टीम इंडिया जीते। लेकिन हमने देखा है कि एक जबरदस्त कनेक्शन भी है क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया में, है ना, कप्तान साहब ही उसके सबसे बड़े एग्जांपल है, उदाहरण है हमारे। तो बॉलीवुड में क्या उत्साह है इस मुकाबले को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं श्रद्धा कपूर ने क्या कहा है इस मुकाबले के बारे में, इस मैच के बारे में, वो कितनी उत्साहित है इस मुकाबले को लेकर। Everyone is excited about today's match, right? Everyone is like, India, India. So that full feeling is there within me, within all of us. And at home, I think it's going to be completely crazy. It's going to be crazy. Today, it's my day off also. So I get to be a part of, I get to be a part of this whole experience. So I'm really looking forward to it. And all my patriotism is all up there today. देखा आपने, पूरा जो देशभक्ति है बिल्कुल सर पर चढ़ी हुई है और हम सबके चढ़ी हुई है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला, मैंने कहा ना जोश ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फट ना जाओ इस जोश में, मतलब मैं मैदान में चले जाऊं ऐसा लग रहा है, जाके खेलने लगूं। हालांकि वो ना ही करूं तो बेहतर होगा, टीम इंडिया के जीतने के चांसेस बेहतर होंगे। वो आपने मैच बोला ना जो इंडिया पाकिस्तान का, तो जो इंडिया में खेला गया इसमें विराट को 116 रन बने थे और वो बैटिंग जो विराट कोहली ने किया, एक बॉल बीट नहीं हुए, बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग किया, भले 50 नहीं बनाया, 2016 की बात कर, बिल्कुल 35-36 वो मैच अगर किसी को ध्यान होगा, बहुत टफ विकेट था, पर उसके बावजूद कमाल की बल्लेबाजी की, कैसे गेम में कंट्रोल किया उन्होंने अपने बैट से, बिल्कुल सही कह रहा। और वो मुकाबला था 2016 पाकिस्तान के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, धर्मशाला में मुकाबला होना था लेकिन धर्मशाला से शिफ्ट करके वो ईडन गार्डन्स में आया था और हिंदुस्तान की हालत खराब थी। और वाकई में जिस पारी का जिक्र कर रहे हैं विराट कोहली का कॉन्फिडेंस, और कहीं ना कहीं ये जो विराट कोहली का कॉन्फिडेंस है ये बहुत डराता भी है पाकिस्तान को। लेकिन पाजी यहां पर बात करनी होगी इससे पहले कि हम मेंटोर की भी बात करें, मेंटोर की भी बात करनी होगी, लेकिन मेंटोर से पहले टीम में जो खिलाड़ी खेलने वाले उनके बारे में, रोहित और केएल राहुल का यहां पर रोल बहुत अहम होगा और खासकर आपको शुरुआती विकेट नहीं देने। कल हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि शुरुआती विकेट लेने में बड़े उस्ताद हैं उनके शाहीन शाह अफरीदी जो है, लेकिन उनका अगर हम देखें स्ट्राइक रेट जो है, उनका जो इकोनॉमी रेट है वो 8 से ऊपर का है हर गेंदबाज का, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रेट में बड़े महंगे साबित होते हैं। लेकिन केएल राहुल को और रोहित शर्मा को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी यहाँ पर, चाहे आप चेज कर रहे हो चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो। देखिए अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, सामने वाले क्या करते हैं उसके ऊपर इतना ज्यादा होमवर्क करना चाहिए लेकिन उतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आप उसी वजह से इस लेवल पर पहुंचे। और केएल राहुल और जो दूसरा वार्म अप मैच था उसमें रोहित शर्मा ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया था, केएल राहुल तो आईपीएल से बेहतरीन बैटिंग करते चले आए हैं। तब मुझे लगता है कि जो पहले तीन हैं इंडिया के उसमें एक अगर बड़ी पार्टनरशिप होती है तो फिर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी इंडियन टीम को। और उसमें केएल राहुल की आपने बात की, रोहित की बात की और विराट कोहली, इन तीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि ये तीनों ऐसे बैट्समैन हैं, रोहित मैच्योर हो गए हैं काफ़ी, जो गेम को अपने इर्द गिर्द घुमा सकते हैं। क्योंकि केएल राहुल को हमने आईपीएल में भी देखा था जब अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, जब ज़रूरत होती थी एंकर बिछा देते थे और जब ज़रूरत होती थी अटैकिंग शॉट्स खेल लेते थे। सो अपने आप को बड़ी बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और जहां मैच्योरिटी का सवाल है, आई थिंक रोहित शर्मा को मैंने बहुत मैच्योर होते हुए देख लिया, अभी काफ़ी मैच्योरिटी आ गई उनके अंदर, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया था, जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, और विराट कोहली के बारे में हम सभी जानते हैं। सो इन तीन में एक बड़ी पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। इस ओपनिंग पर और थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें धोनी की भी बात करनी है, धोनी के इम्पैक्ट के बारे में। और ओपनिंग में मैं क्या चर्चा करने वाला हूं आपको बता दूं, बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम को शुरुआती ओवर में लाते हैं, ओपनिंग करवाते हैं और बहुत अच्छी वो सफलता दिलाते हैं टीम को और लगातार कर रहे हैं वो। और रोहित के खिलाफ वो लेफ्ट आर्म जो बॉलर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। तो क्या इमाद वसीम एक हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, खासकर रोहित शर्मा के लिए, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट आरपी सिंह से। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी धोनी की बात कर लेते हैं, मेंटोर की, कि धोनी के आने से क्या फर्क पड़ेगा टीम इंडिया। भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर पसीना बहाया, मैदान पर रोहित भी थे विराट भी थे, लेकिन सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी पर थी। धोनी मैदान पर प्लेयर्स से बातचीत करते दिखे, थ्रो डाउन की प्रैक्टिस करवाई और टीम के हर खिलाड़ी के पास खुद जाकर उनका हौसला बढ़ाया। धोनी भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को इंडिविजुअल तौर पर जानते हैं, वही धोनी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को भी समझते हैं।
यही वजह है कि धोनी की टीम इंडिया में एंट्री ने पाकिस्तान के खेमे में भी खलबली मचा दी है। कोई धोनी को गेम चेंजर कह रहा है तो कोई तुरुपका इक्का। अच्छा, और सलमान वो अपने साथ धोनी को भी एज मेंटोर लेके गए हैं, तो डेफिनेटली अब उनके बारे में मशहूर है मिस्टर कूल मैन है, वो बहुत ही काम रहते हैं, तो इस चीज़ से भी बड़ा आपके साथ जब इस तरह से मौजूद हो कोई आपको बताने वाला कि आपने किस तरह से खेलना है, गेम प्लान कैसे बनाया जा सकता है, ये भी उनको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, धोनी की जो प्रेजेंस है ना, वो बड़ा कामिंग इन्फ्लुएंस है, वो बड़ा पुरसकून किस्म का लीडर है। इंतहाई टेंस सिचुएशंस में जो मैचेस लास्ट बॉल तक गए हैं इंडिया के, इवन इन द वर्ल्ड कप, तो आप उसकी शक्ल पे देखें कुछ अया नहीं होगा। यू विल नॉट गेट एन आइडिया कि ये बंदा क्या सोच रहा है, ये परेशान है या ये नॉर्मल खड़ा है। आई एम सॉरी टू कट यू, जब वो वर्ल्ड कप जीते थे तब भी वो इतने ज्यादा काम नजर आ रहे थे। एग्जैक्टली, वो तभी ऐसे ही थे और आई थिंक के ही रियली नोज, एक्चुअली वो ब्लेस्ड है, इज नेचुरल लीडर। जिस कप्तान ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में 10 मुकाबले खेले हो उससे तो पाकिस्तान डरेगा ही। जिस कप्तान ने 3 आईसीसी टूर्नामेंट जिताए हैं उसके सामने पाकिस्तान का डरना लाजमी है। धोनी ने 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 T20 विश्व कप में टीम की कप्तानी की। 2011 और 2015 वनडे विश्व कप और 2009 और 2013 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में कप्तानी की। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 T20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इतने अनुभवी कप्तान का भारतीय टीम का मेंटोर बनने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उन्हें लगता है कि धोनी विराट के कंधों से कप्तान की जिम्मेदारी को कम कर देंगे, जिससे विराट अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर पाएंगे। विराट की कप्तानी में भारत ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 विश्व कप और 2021 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भाग लिया है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। अब विराट के साथ धोनी खड़े हैं, यानी विरोधी टीम के लिए डेडली कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम को एक बार फिर धूल चटाने के लिए काफी होगा। वर्ल्ड कप धमाका और सबसे धमाकेदार मुकाबला अब से कुछ देर बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाला है। और एक खबर मैं आपको दे दूं कि हमारी जो भारत की टीम है वो निकल चुकी है अपने होटल से अपने कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ। जी हां, और जहां पर ये आज जंग होनी है उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है टीम इंडिया की, और दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद टीम इंडिया पहुंचने वाली है। होटल से निकलने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े शांत चित हैं, बड़े रिलैक्स्ड हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी। देखिए, वरुण चक्रवर्ती तो कुछ गाना सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि निकल रहे हैं, और इंडियन टीम की देखिए मुस्कुराते हुए यहां पर रविंद्र जडेजा, माही, बुमराह, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिख रही है आरपी, ऐसा लग रहा है कि रिलैक्स्ड है वैसे टीम इंडिया को। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वैसा लग रहा है, हो भी रहा है कि इंडियन टीम पर कोई दबाव दिख नहीं रहा है, मुझे कॉन्फिडेंट लग रही है टीम इंडिया। तो जैसा मैंने पहले बोला समीप कि काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, और ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है, क्योंकि आप जब अंदर कैसे खेले जाते हो वो कहीं बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका एटमॉस्फेयर कैसा ड्रेसिंग रूम में, पैनिक में है या बहुत रिलैक्स हो या बहुत एनर्जेटिक हो, वो डिपेंड करता है मैच सिचुएशन कैसी है। अभी तो मेरे हिसाब से काफ़ी रिलैक्स होंगे, जब मैच थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब वो एनर्जी लेवल डिफरेंट फ्लो करेगी। तो यहाँ तो यही देख के लग रहा है कि काफ़ी रिलैक्स हैं और काफ़ी अपना जो होमवर्क है मैच का वो पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये वो वक्त होता है जहाँ पर टीम इंडिया या फिर खिलाड़ी जो है आखिरी तैयारियां कर चुके होते हैं और अब बस कहीं ना कहीं उस जोन में चले जाते हैं पाजी, जहां आपको कुछ और शायद दिखाई भी नहीं देता है, सिर्फ वो मैदान और उसी जोन में रहते हो आप, मैच के जोन में। ये बेसिकली शुरुआत किसने की थी, जो ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं ना आरपी, ये महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत की थी, जो काम एटमॉस्फेयर हुआ ड्रेसिंग रूम में। एक तो उनके वो खुद जिस तरह के हैं, उनको हमने मैदान के ऊपर देखा है, आरपी तो खेले उनके साथ, वो ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमने जो उनको देखा है वो हमें लगता है कि रब ऑन किया टीम के ऊपर, और उन्होंने उस तरह का एटमॉस्फेयर बना के रखा जिसकी वजह से उनको इतनी सक्सेस मिली अपनी कैप्टनसी के दौरान, और वो फिर एक ट्रेंड सा बन गया है कि ये एटमॉस्फेयर ऐसा काम बनाने की ज़रूरत है। किसी तरह का प्रेशर, देखिए प्रेशर तो रहेगा इसमें, अगर आप सोचें कि प्रेशर नहीं लग रहा इंडियन टीम के ऊपर, वो आपको केवल देखने में लग रहा है, अदरवाइज प्रेशर रहता ही है, क्योंकि इंडिया के लिए जो भी खिलाड़ी खेल रहा है एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा रहती हैं। लेकिन ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर और टीम का एटमॉस्फेयर, जब आप बस में भी बैठे, जब ड्रेसिंग रूम में भी जाएं, जब होटल में भी मिल रहे हैं, अगर वो काम रहता है तो फिर आपकी सोच बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। लगातार कवरेज जारी है महामुकाबले की, और ये महाकवरेज पूरे हिंदुस्तान में हमारे रिपोर्टर्स भी छाए हुए हैं हर तरफ, और देश भर के हर जगह से जो जो हम देख रहे हैं कि वो जो भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुकाबला है, हर इमोशंस आप तक लेकर आ रहे हैं इंडिया टीवी पर, और साथ ही क्रिकेट का विश्लेषण भी हो रहा है। मनीप बाजी और आरपी सिंह लगातार वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी, आरपी सिंह 2007 वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जो जीता था, शानदार प्रदर्शन भी था, हमारे साथ हैं। और इस पहले मुकाबले के क्या मायने, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं।
टीम क्या होगी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की उस पर भी। लेकिन आपको बता दें जो 12 खिलाड़ियों की नामों की घोषणा कल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कर दी थी, 15 खिलाड़ी जो हैं होटल से निकल चुके हैं इस महामुकाबले के लिए। इससे पहले ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि हिंदुस्तान की टीम निकल चुकी है दुबई में होने वाले इस मुकाबले के लिए, और अब ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम जो कि अब बस पर चढ़ते हुए और इस मुकाबले में जो आज ये जो मैच है हिंदुस्तान के खिलाफ इसमें हिस्सा लेने के लिए निकल चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी कहीं ना कहीं पहली बार हिंदुस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे, पहले कम से कम एक तो जीत दर्ज हो, और वहीं भी भारत चाहेगा कि लगातार जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रहे। महामुकाबला, आज महामुकाबला चल रहा है और यहाँ पे महाकवरेज चल रही है यहाँ पर इंडिया टीवी में मनीपा जी और आरपी सिंह के साथ, और लगातार सारे दमारी संवाददाता पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में छाए हुए। फिलहाल हम आपको सीधे लेके चलते हैं दुबई जहां पर ये महामुकाबला होना है, और वहां पर देखिए हैप्पी करवा चौथ, और एक बड़ा जबरदस्त वायरल चुटकुला चल रहा है कि आज हिंदुस्तान में करवा चौथ का व्रत टूटेगा और पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे। तो ये बड़ा मजेदार एक चुटकुला यहाँ पर चल रहा है, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सज संवर कर भले ही व्रत रखा हुआ है लेकिन मैच जो है हर हाल में देखना है, और स्टेडियम पहुंचे हुए यहाँ पर फैंस। आप देखिए किस तरीके से, मुझे लग रहा है आरपी आज पूरा जो है स्टेडियम जो है नीला नीला दिखने वाला, हरा बहुत कम होने वाला है यहाँ पर। आप ऐसा लगता है मुझे क्योंकि जो आपने बात बोली ना कि मैच जो इतने सारे फोन कॉल्स मुझे आए टिकट्स के बारे में इतनी सारी क्वेरीज हुई, तो ये दर्शाता है मैच बहुत बड़ा है और बहुत हाई वोल्टेज मैच है। हमारा जो क्राउड है भारतीय क्राउड आप देख रहे होंगे इस अपने विजुअल्स में भी कि नीला रंग काफ़ी दिख रहा है यहाँ पर, जो इंडियन टी शर्ट और इंडियन जर्सी जो इस साल की भी है पुरानी भी लोग पहन के जा रहे हैं। मज़ा आएगा देखने में कि ग्राउंड में कौन सा कलर ज़्यादा दिख रहा है बिल्कुल, और कौन सा कलर ज़्यादा छाएगा। हमें उम्मीद यही है कि नीला कलर भी जो है वो मैदान में छाने वाला, यानी कि विराट कोहली और उनकी टोली जो है आज छाने वाली है दुबई के इस मैदान में अपने पहले मुकाबले में। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं, हम क्योंकि अब मुकाबले के काफी नजदीक पहुंच गए, करीब एक घंटे में शुरू होने वाला है, आधे घंटे में टॉस होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान के इस मुकाबले की। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और हम बात करते हैं हिंदुस्तान की ओपनर्स के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पहली 11 कौन सी होनी चाहिए, और हम बात जरूर करेंगे यहां पर कि पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ जिसमें हम बात कर रहे हैं ओपनर्स की। दिनों बाद होगी सबसे बड़ी भिड़ंत, हफ्तों के बाद मैदान पर होगा सबसे बड़ा मुकाबला, 2 साल 4 महीने और 8 दिन के बाद फिर होगी टक्कर, ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि जिस पल का इंतजार दुनिया के हर क्रिकेट फैन को लंबे समय से था वो पल बस आ ही गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद क्रिकेट के मैदान पर होगा सबसे बड़ा मुकाबला। दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 का मुकाबला खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होते हैं तो फैंस की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इस मुकाबले से पहले भी पूरी दुनिया की निगाहें दुबई में हैं। लेकिन मैच से पहले टीम इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारी नजर आ रहा है। विराट कोहली एंड कंपनी ने इस मैच से पहले जमकर तैयारियां की है, कोई पाकिस्तान की टीम ने भी प्रैक्टिस सेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो टीम इंडिया के स्क्वाड में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन आज के हाई वोल्टेज मैच में टीम इंडिया के ओपनर से पाकिस्तान का काम तमाम कर सकते हैं। टीम इंडिया के इन दो धाकड़ बल्लेबाजों को कौन नहीं जानता, रोहित शर्मा और केएल राहुल पर ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। इन दोनों बल्लेबाजों को अपना काम बखूबी पता है, T20 में रोहित शर्मा का डंका पूरी दुनिया में बजता है और इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। रोहित ने अब तक खेले 111 T20 इंटरनेशनल की 103 पारियों में 138.86 की स्ट्राइक रेट से 2,864 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 22 अर्धशतक भी निकले हैं। रोहित शर्मा बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, हाई प्रेशर मैच में भी इनके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। T20 वर्ल्ड कप की 25 पारियों में रोहित ने 127.22 की स्ट्राइक रेट से 673 रन बनाए। इस दौरान पहली इनिंग्स की 13 पारियों में 2 अर्धशतक के साथ 306 रन बनाए। वहीं दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करते हुए रोहित ने 12 पारियां खेली है जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक के साथ 367 रन निकले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी हिटमैन के पास खेलने का अनुभव है। पाकिस्तान के खिलाफ हिटमैन ने 7 मैच की 6 पारियों में 129.62 की स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए।
रोहित शर्मा के अलावा टीम इंडिया के दूसरे ओपनर केएल राहुल भी आज के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। T20 क्रिकेट में अपना कमाल लाजवाब बैटिंग के लिए राहुल पूरी दुनिया में फेमस है। केएल राहुल ने अब तक खेले 49 T20 की 45 पारियों में 142.19 की स्ट्राइक रेट से 1557 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने भले ही पाकिस्तान के खिलाफ आज तक T20 का कोई मुकाबला ना खेला हो, लेकिन अगर उनका हालिया प्रदर्शन देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। हाल ही में हुए IPL में राहुल ने 13 मैच में 626 रन बनाए। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में राहुल ने 24 गेंदों में 51 रन, तो वहीं दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान के खिलाफ महाभिड़ंत में टीम इंडिया की शुभ शुरुआत होने वाली है। पाकिस्तान ने इन दोनों से छुटकारा पा भी लिया तो इसके बाद विराट, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी पाकिस्तान की खबर लेने का इंतजार कर रहे होंगे। तो देख लिया आपने, ओपनर से पार पाओ तो उसके बाद विराट कोहली इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋषभ पंत, किस किस से बचोगे पाकिस्तानी गेंदबाजों। लेकिन यहां पर बात करनी होगी क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ। और RP, इससे पहले भी हम लगातार जो वहां कवरेज चल रही है, मनीपा जी से ओपनर्स के बारे में बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वाकई में जबरदस्त ओपनिंग पेयर है हमारे पास। और अगर बात करें रोहित शर्मा की, अगर रोहित शर्मा की एक बात करें ना, एक है मुद्दा जो मैं आंकड़े देख रहा था उसमें यह है कि 7 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ और सिर्फ 70 रन, ये एक मुद्दा है छोटा सा कि 70 रन उनके आए हैं जो ज्यादा रन नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरा जो मैं रिसर्च कर रहा था उसमें मैंने देखा कि इमाद वसीम जो है वो परेशान कर सकते हैं अपने लेफ्ट आर्म गेंदबाजी से, और उनको कई बार उनके कप्तान बाबर आजम जो है इस्तेमाल करते हैं ओपनर्स के खिलाफ, जहां पर वो कई बार सफलता दिलाते हैं अपनी टीम को। तो क्या ये खतरा हो सकता है ओपनर्स के लिए? कौन कौन से ऐसे खतरे आपको लगता है यहां पर ओपनर्स को ध्यान रखना होगा? और ये वही पिच है, खबर भी आ गई है मेरे पास, ये वही पिच है जिसमें कल 55 रन बने। आपने बात की रोहित शर्मा के अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर्म के, क्योंकि जब मैं खेला था वहाँ पर वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, उसमें एक बहुत क्रुशियल नॉक खेला था पर ओपनर नहीं थे तब। एक बार साइड गेम भी खेला इंग्लैंड, वहाँ भी उन्होंने 80 रन बनाए, तो कुछ बड़ी अच्छी अच्छी पारियाँ खेली यहाँ पर। उसके बाद शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे रहा। और दूसरा आपने जो गेंदबाज का नाम लिया इमाद वसीम, जैसा कई बार पावर प्ले में इस्तेमाल किया बाबर आजम ने, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट गेंदबाज है, बहुत स्किलफुल गेंदबाज नहीं दिखते मुझे, लेकिन हाँ उनके पास वो चतुराई भरी गेंदबाजी की क्या लेंथ डालना है, बैट्समैन को बेटर रीड कर सकते हैं। और इसीलिए नई गेंद से आप देखो पढ़ने बाद थोड़ा गेंद अंदर भी आता है यहाँ पर। तो ये मुझे लगता है हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने, खासतौर से ओपनर ने इस बात का प्रिपरेशन किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोहित और KL राहुल जो ओपन करने आएंगे, इमाद वसीम उतना अच्छा विकल्प होंगे नहीं किसी टीम के लिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर आप और सेट होने का मौका देंगे। बॉल जो थोड़ा बहुत स्विंग करता है शुरू शुरू में, जो शाहीन को फायदा मिलेगा या दूसरे गेंदबाज हसन को, वो कम हो जाएगा, तो इमाद को लगाना तो नहीं चाहिए। तो चलिए शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बताइए, क्योंकि वो एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनकी गेंद भी थोड़ी अंदर आती है, जैसे ट्रेंट बोल्ट जो है रोहित को परेशान करते हैं, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी भी वो कहर ढा सकते हैं, वो असर ला सकते हैं RP? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गेंदबाज काफ़ी काबिल तारीफ है और गेंदबाजी जो आपने बताया कि स्किलफुल है, गेंद अंदर भी आता है और एक गति भी उनके पास अच्छी खासी, तो उन्होंने कई बार ओपनर्स को चौंकाया है और चकाया भी है अपनी गेंदबाजी से। पर यहाँ पर समझदारी भरी बात तो ये होगी कि आप किसी एक दो गेंदबाज तो अगेंस्ट टीम में होंगे जो बढ़िया कर रहे होंगे, उनको आप थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से खेलिए, अगर 4 ओवर में आपने 30 रन भी बना लिए तो बहुत है। मेन महत्वपूर्ण क्या है कि आप पहले बल्लेबाजी करते हो, पहले बल्लेबाजी आती है तो पावर प्ले में आप उनके जो स्टार गेंदबाज उनको विकेट नहीं देना, तब से अभी दूसरी टीम में थोड़ा डिमोलाइज होगी। बिल्कुल, अब बात यहाँ पर मनीपाजी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ये वही पिच है जिसमें कल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ, और जो गत विजेता है यानी कि जो मौजूदा विजेता है वर्ल्ड चैंपियन है वेस्ट इंडीज, सिर्फ 55 रन बना पाई और पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। और जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था वो था क्रिस गेल का 13 रन 13 गेंदों में, उसके अलावा कोई डबल डिजिट तक पहुंच नहीं पाया, 9 रन उसके बाद हाई स्कोर था। तो एक तो ये पिच को देखते हुए, पिच के पेंच को भी समझना होगा हमारे ओपनर्स को, और ओपनर्स हमारी ऐसी एक जोड़ी है KL राहुल और रोहित शर्मा की, जो हमारी ताकत है, जो फाउंडेशन वो रखेंगे वो एक जीत के लिए बहुत बड़ी नींव तैयार होती है वहां से। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। और बेसिकली देखें, आप कल का मैच तो देखा ही होगा, इंडियन टीम ने किस तरह से बॉलर्स हावी रह रहे थे, उसी हिसाब से मुझे लगता है टीम का जो बैलेंस भी बनाया जाएगा, किस तरह के बॉलर्स खिलाने वो भी एक आइडिया मिल जाएगा इंडियन टीम को। और जहाँ तक आप ओपनर्स की बार बार बात कर रहे हैं ना, ये जो दो हमारे ओपनर्स हैं ये बेसिकली जो होमवर्क करके आएंगे, और उस होमवर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहनी चाहिए कि इन दोनों में से कोई ना कोई 15-16 ओवर तक अगर खड़ा हो गया तो फिर आप अंदाज़ा लगा दिए कि स्कोर बड़ा होगा इंडियन टीम का, बड़ा यानी इस पिच के हिसाब से, क्योंकि मुझे एक्चुअली लग रहा था इस पिच में ऐसे कोई डीमंस नहीं, लेकिन बाद में जब मैं रिप्ले देख रहा था कल तो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी बॉल रुक कर आ रही है, और मैं बड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि IPL के दौरान ये बढ़िया पिचेज में से थी,
और एकदम से बदल गई, कैसे बदल गई ये मुझे समझ नहीं आया, क्या इतनी थक गई है पिचे या क्या क्यूरेटर को टाइम नहीं मिला है पिचेस को प्रिपेयर करने का, ये एक समस्या दिख रही है मुझे। लेकिन फिर ये मैच्योर क्रिकेटर्स हैं, ये पूरा होमवर्क करके आएंगे और अपने उसी हिसाब से बैटिंग करेंगे। तो ये है यहाँ पर ओपनर्स की जिम्मेदारी, और ओपनर्स की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ ओपनिंग साझेदारियां इन्होंने की हैं, और सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में से एक है दुनिया में, खासकर T20 की अगर हम बात करें। लेकिन अब जरा हम अपने एक्सपर्ट्स की टीम भी आपको दिखाते हैं, जो संभावित 11 यहाँ पर हिंदुस्तान की मनीपा जी और आरपी ने बनाई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम मनिंदर सिंह मनीपा जी की टीम के साथ, और मनीपा जी की अगर हम टीम पर नजर डालें, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाऊंगा क्या टीम यहाँ पर मनीपा जी ने बनाई है। मनीपा जी अपनी टीम को जरा बताएं दर्शकों को, आपकी सोच इस 11 के पीछे। देखिए ओपनर्स में तो कोई डाउट ही नहीं है, केएल राहुल और रोहित रहेंगे, उसके बाद नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 5 पर ऋषभ पंत, और 6 पर मेरे हिसाब से मैं अगर टीम मैनेजमेंट के साथ हूँ तो मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि कप्तान ने तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि हार्दिक पंड्या को खिलाएंगे नंबर 6 के ऊपर, उनके जैसा कोई है नहीं नंबर 6 के ऊपर, लेकिन इनकी फॉर्म बहुत ही ख़राब है, और जो वार्म अप मैचेस भी हुए थे उसमें भी उनके बैट पर बॉल नहीं लग रही थी जी। तो जब आपकी फॉर्म ख़राब हो, इस तरह के पिचेस के ऊपर आप खेल रहे हैं, तो फिर आप एक ऐसे क्रिकेटर को खिलाएं, एक ऐसे ऑलराउंडर को खिलाएं जो लय में हो, क्योंकि उन्होंने अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बॉल के साथ भी बैट के साथ उनको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दिखा दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो बैटिंग कितनी बढ़िया कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको नंबर 6 पर रखा है। 7 पर जडेजा, 8 पर आर अश्विन, जिनसे मैं बॉलिंग में भी नई बॉल से ओपन कराऊंगा या दूसरा ओवर कराऊंगा, और फिर आपके वरुण चक्रवर्ती को मैं ज़रूर खिलाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैन उन्होंने उनको देखा नहीं है, केवल वीडियो में ही देखा होगा, कभी खेले नहीं है, और फिर बुमराह और शमी। बिल्कुल, और वरुण चक्रवर्ती के बारे में तो कहते हैं आप कितना भी वीडियो देख लो, खेलना है उनको तो एक अलग ही बात होती है, वीडियो में देखना वरुण चक्रवर्ती को मैदान में खेलना। लेकिन आपने भुवनेश्वर कुमार के अनुभव को तवज्जो नहीं दी पाजी? देखें भुवनेश्वर कुमार को खिलाएंगे तो फिर आप 3 सीम बॉलर्स खिलाएंगे, फिर 2 ही स्पिनर खिलाएंगे, यानी कि फिर हार्दिक पंड्या खेलते हैं बीच में आके, इसलिए मैंने टीम का बैलेंस और जिस तरह की पिच के ऊपर मैच होना, मैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बेस्ट 11 होनी चाहिए। तो चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे वर्ल्ड चैंपियन T20 के, 2007 के पहले वर्ल्ड चैंपियन इंतजार कर रहे हैं दूसरी बार कब वर्ल्ड चैंपियन होंगे, करीब 13-14 साल हो गए हैं अभी तक हम वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बन नहीं पाए, उम्मीद करेंगे कि जल्दी हम इस बार वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन फिलहाल आरपी की अगर टीम की हम बात करें तो आरपी की टीम हम आपके सामने लेकर आते हैं, और आरपी आगे आपको बेटन मैं देता हूं, आप अपनी टीम के बारे में बताएं क्या टीम आप खिला रहे हैं, क्या है आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन आज की? समीप बल्लेबाजी में तो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ कि कौन से बल्लेबाज खेलें, जो मनीपा जी ने बोला कि इसमें केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत। मैं हार्दिक पंड्या को टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 5-6 नंबर पर एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो अगर मौका पड़े 7-8 या 10 गेंदों में 20-22 रन बना सके, तो हार्दिक के पास वो एबिलिटी है बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए। और गेंदबाजी में अगर उसके बाद रविंद्र जडेजा रखूँगा। वरुण चक्रवर्ती आप इस फॉर्मेट में इस खिलाड़ी को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि उसका स्किल बहुत बड़ा स्किल आएगी, पर आपको जो आपने बोला ना कि आप कितना भी वीडियो देख लें, कितनी भी इसके बारे में चर्चा कर लें, पर आपको खेलना तभी जब ज़्यादा खेलेंगे तभी आप उसको भाप पाएंगे क्या स्ट्रेटजी बनाता है, कैसी गेंदबाजी करता, तो वरुण एक का बड़ा इंपैक्ट रहेंगे। अश्विन को मैंने जगह नहीं दिया टीम में, भुवनेश्वर कुमार को भी मैंने जगह नहीं दिया, क्योंकि हाल में परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा, जो फॉर्म है इन फॉर्म जो कह सकते हैं आप नहीं है वो, और जो साइड गेम खेला उसमें भी कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। जसप्रीत बुमराह रहेंगे टीम में, मोहम्मद शमी है, शार्दुल ठाकुर, क्योंकि वो बल्ले से भी आपको थोड़ा यहाँ पे स्टेबिलिटी देते हैं, और ये 5 सिर्फ गेंदबाज इसलिए रखे हैं सभी, क्योंकि सेम ग्राउंड में मैच हो रहा है, सेम विकेट पर मैच हो रहा है, जहाँ पर कि अगर आपने एक 5 बॉलर ने डिसेंट सिर्फ गेंदबाजी की तो आप काफ़ी अच्छा सामने टीम को रोक सकते हैं, थोड़ा बल्लेबाजी इसलिए हैवी रखी गई है। बिल्कुल, तो ये थी दोनों संभावित टीमें यहाँ पर हिंदुस्तान की, जो आपसे कुछ देर बाद ऐलान करेंगे करीब 20 से 22 मिनट के बाद, क्योंकि टॉस होने वाला है भारत और पाकिस्तान मुकाबले में। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मैंने एक ट्वीट किया था, बड़े उस पर रिस्पॉन्स आ रहे थे कि अगर हिंदुस्तान की गेंदबाजी की जब बात आएगी पाजी, आप अपना पहला ओवर आज किससे कराएंगे? नहीं, पहला ओवर तो मोहम्मद शमी मुझे लगता है स्पिनर को नहीं ट्राई करेंगे, और दूसरा ओवर आप आर अश्विन से करा सकते हैं, या पहला आर अश्विन को दे दे दूसरा शमी को दे दे, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लेकिन आप शमी से कराएंगे? लेकिन मैं शमी से कराऊंगा, क्योंकि मुझे यू नो, मैं जब स्पिनर था मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप नई बॉल एक फास्ट बॉलर को दे तो उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है किस तरह से उसको मैनेज करना है। सो शमी या बुमराह, मैंने 2 ही सीमर ये खिलाए, और तीसरा शार्दुल ठाकुर है, सो ये 2 सीनियर्स में से पहले किसी को आप ओवर दें, और आर अश्विन को, क्योंकि उन्होंने जब आईपीएल में खेलना शुरू किया था तो वो शुरू में बॉलिंग किया करते थे,
वही एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरे मैच में किया गया जहां पर कि उन्होंने 2 ओवर में 8 रन दिए, 2 विकेट्स दिए। सो जिस तरह की पिच के ऊपर मैच होना है, मैंने इसीलिए 3 स्पिनर्स शामिल किए कि आप आर अश्विन से पहले 6 ओवर्स में बॉलिंग करा सकें। आरपी, आज आपको क्या लगता है आप किससे कराएंगे गेंदबाजी, पहला ओवर आज किससे डलवाएंगे आप हिंदुस्तान की तरफ से? नई गेंदबाजी जो भाजी ने बोला, मोहम्मद शमी एक बढ़िया गेंदबाज हैं, सेम पोजीशन अच्छा रहता है, थोड़ा बॉल कट भी कराते हैं, हल्का स्विंग भी मौजूद, तो उनसे कराऊंगा मैं। और पावर प्ले के अंदर दूसरा जो मेरा प्रमुख गेंदबाज रहेगा वो वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि किसी ने खेला भी नहीं और पावर प्ले में आप उसको टैकल करना भी इतना आसान है, और आईपीएल में हमने देखा जो उसका परफॉर्मेंस रहा है। डेथ ओवर के लिए मैं बुमराह का जरूर रखूंगा मैं, बिल्कुल, कि उसके कम से कम 3 ओवर होने चाहिए जब डेथ ओवर गेंदबाजी हो, बीच में शार्दुल ठाकुर और जडेजा को भी यूज करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का हमने देखा है जो बैटिंग ऑर्डर है वो शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है और बाद में वो स्ट्रगल करते हैं, उनके मिडिल में और डेथ में आके उनके बॉलिंग में उनके ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो स्कोर को आगे लेके जा सके। लेकिन अगर हम अपनी बल्लेबाजी पर देखें तो शुरुआत हमारी उतनी तेज नहीं होती है, लेकिन डेथ ओवर्स में हमारी बल्लेबाजी बाजी बहुत तेज होती है और बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारे जो शुरुआत है और उनका जो वो, अगर हम बात करें डेथ में, तो क्या हमें उनकी शुरुआत को, जैसे गेंदबाजी की अगर बात करें तो शुरुआत में हमें अंकुश लगाना जरूरी होगा, अगर हमने वो करने में हम कामयाब हो गए पाकिस्तान के बैट्समैन को, अगर शुरुआत की 3 हम रोकने में कामयाब हो गए, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और फखर जमान को, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज टीम इंडिया को मिल सकता है, बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा फिर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इन्हीं 3 जिनका आपने नाम लिया अभी, इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, क्योंकि जो उनका मिडिल में आप अगर शोएब मलिक की बात करें, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी लय में होंगे क्योंकि इतनी रेगुलर क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, सो वो उनके लिए एक समस्या हो सकती है। सो बिल्कुल सही कहा आपने, अगर पहले 3 को कंट्रोल कर लिया तो फिर ये पूरा मैच आप समझ लीजिए कंट्रोल कर लिया इंडियन टीम। सभी इससे पता है, मुझे लगता है सरप्राइज एलिमेंट हमेशा आपको बड़ा यूजफुल रहता है जब दूसरी टीम अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो हमारे पास जो सरप्राइज एलिमेंट है जिसको देखा ही नहीं, कभी उसको खेला ही नहीं, वो वरुण चक्रवर्ती का, अगर वो खेल रहे हैं तो, क्योंकि हमें तो लगता है खेल रहे हैं वो, तो वो सरप्राइज एलिमेंट बहुत काम आएगा आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करने, क्योंकि आप खेलना उसको खेला नहीं और उसने गेंदबाजी की पावर प्ले में अच्छे से, अगर अश्विन खेल रहे हैं पाजी के हिसाब से तो वो भी पावर प्ले का अच्छा गेंदबाज है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक जो कमजोर कड़ी है जहां पर हम हिट कर सकते हैं आरपी, वो है कि अगर हम शोएब मलिक की बात करें तो कुल 5 मैचेस में उन्होंने 100 रन बनाए और वो भी अरसा हो गया उस बात को, और मोहम्मद हफीज की बात करें तो एक है 41 साल के मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक है 40 साल के आरपी, तो दोनों जो अब बूढ़े शेर भी कहना, तो बूढ़े खिलाड़ियों को लेके आना, अब हफीज ने सिर्फ 36 रन बनाए हिंदुस्तान के खिलाफ, तो यहां पर एक ऐसी कमजोरी है जिसपे बहुत बुरी तरीके से सेंध लगा सकते हैं भारत के गेंदबाज, मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, ऐसी कमजोर कड़ी पाकिस्तान की जो बहुत उल्टा पड़ सकती है उनको। समीप, अगर पहले 6 ओवर में हमने जिनके प्रमुख बल्लेबाज इसमें अगर 2 को भी आउट कर दिया तो वैसे भी इनका मिडिल ऑर्डर तो बहुत लचर है, और ये जो बल्लेबाज आपने नाम लिया है शोएब मलिक और हफीज का ये तभी आपके प्ले में आते हैं, तभी ज्यादा इनका रोल होता है जब सामने वाली टीम ने कम रन बनाए हो चेस करने में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से कहा के मैच जीता जो स्टीव स्मिथ ने करते हैं, पर अगर मैच अगर हाई वोल्टेज हो गया या हाई स्कोरिंग हो गया फिर शायद ये उतना काम ना आए, फिर इनके लिए तो ये काफी मैं कहूंगा कि वीक पॉइंट रहेंगे उस टीम के, जहां पे भारत खुश रहेगा कि हाँ ये खेल रहे हैं दोनों। बिल्कुल, और अगर बात करें शुरुआती विकेट हमने ले लिए तो वाकई में हम पाकिस्तान की हालत बहुत खराब कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि अगर शुरुआती विकेट नहीं लिए तो डेथ में इनको रोकना भी होगा, ये भी एक काम होगा जिसके लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बुमराह को डेथ बॉलिंग के जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज दुनिया के उनको रखा हुआ है, और अगर बॉलिंग की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग भी पाकिस्तान की तुलना में बहुत अच्छी है, मच बेटर जिसको कहते हैं, तो ऐसे में हमें चिंता का कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इस बॉलिंग के बारे में और चर्चा करेंगे, विराट कोहली के बारे में भी बात होगी, एक खास रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले मैं देखता हूं कि इस रिपोर्ट में कि क्या है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, पाकिस्तान पर दुश्मनों पर नजर डालना भी बहुत जरूरी है, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी समझिए या फिर घबराहट, भारत के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने अपनी आखिरी 12 प्लेयर्स के नाम का ऐलान कर दिया। ने 12वां साइड भी डिसाइड कर लिया, वो भी अनाउंस कर देता हूं मैं। उसमें है मायसेल्फ, रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, शदाब खान, अहमद वसीम, हसन अली, शहीन शाह, हारिस राउफ और हैदर अली, ये हमारी 12वां साइड है, और 11 साइड ऑन द डे जाके हम डिसाइड करेंगे। 12 खिलाड़ियों वाली इस टीम में कप्तान बाबर आजम होंगे, जबकि मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी अंतिम 12 में जगह दी गई है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक गिने जाते हैं, ऐसे में भारत के खिलाफ मैच में उनका परफॉर्मेंस काफी अहम रहने वाला है। कप्तान बाबर के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है शाहीन शाह अफरीदी,
अफरीदी पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट के एक्स फैक्टर है। भारत को इस नए अफरीदी से बचकर रहना होगा। पाकिस्तान टीम में हसन अली जैसे गेंदबाज भी हैं जो भारत के बल्लेबाजों पर लगाम कस सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की वो 12 खिलाड़ी जिसका कल ऐलान किया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमा, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हैरिस रऊफ, हसन अली, हैदर अली, शाहीन शाह अफरीदी। मैच से पहले कागज पर भारत फेवरेट है, लेकिन T20 में एक ओवर ही मैच का रुख पलटने के लिए काफी होता है। ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले का दबाव दोनों टीमों पर होगा।